भीड़ 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 एवरीवेयर, भीड़ इज देयर। नहीं सर, अरे यार हेलो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं जस्ट एक रिव्यू करने वाला हूँ कि रिसेंटली मैंने एक माइक्रोफोन लिया है अपने कैमरे के लिए। जो मेरा जो कैमरा था एक्शन कैमरा, उसका जो इंटरनल माइक है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, मतलब उसमें अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी और नॉइस कैंसिलेशन भी बराबर से नहीं हो रहा था, तो बहुत सारा नॉइस उसमें आ रहा था और आवाज़ भी बराबर कैप्चर नहीं हो रही थी। तो इसलिए मैंने एक नया माइक्रोफोन ऑर्डर किया है और खास बात नहीं बल्कि बहुत बुरी बात यह है कि मेरे जो कैमरा है उसको सी टाइप का पोर्ट लगता है, मतलब जो पोर्ट रहता है वो सी टाइप का है। तो इसलिए बहुत दिक्कत हुई मुझे ये माइक्रोफोन सर्च करने में, बट फाइनली मुझे अमेजोन में एक मिल गया। अभी ये कौन से कंपनी का है, मतलब ब्रांड कौन सा है मुझे अभी तक याद नहीं है, तो मैंने इसे देखा और उसका रिव्यू करके चेक करके परचेस कर लिया। अभी इसका जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है ये इसी में उसी माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो रहा है, तो आई डोंट नो कि साउंड कैसा आ रहा है। तो मैं अब जब घर पर जाऊँगा और ये रिकॉर्डिंग देखूँगा तो तब मुझे पता चलेगा कि भाई ये रिकॉर्ड कैसे कर रहा है एक्चुअल में। तो बस इतना इस माइक्रोफोन के बारे में, बाकी तो बस अपना चल रहा है भाई। बहुत टाइम के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अभी पता नहीं है मैं इसे पोस्ट करूँगा या अभी नहीं, क्योंकि अगर वीडियो में साउंड अच्छे से कैप्चर होता है, अगर नॉइस कैंसिलेशन और सब बराबर से हो जाता है तो मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगा, या फिर एक ट्राई भी कर सकते हैं कि एक रिव्यू करने के लिए मैं इसे पोस्ट कर दूँगा। रही बात अपने डेली ब्लॉग की, तो भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, ऑफिस का काम ये वो सब, मतलब इतना बिजी हुआ आजकल कि भाई रिकॉर्डिंग करने में और फिर एडिटिंग करने में बहुत ही टाइम जा रहा था मेरा, तो इसलिए अभी के लिए मैंने स्टॉप करा है। लेकिन कुछ प्लान चल रहा है, मैं दोस्तों के साथ कुछ प्लान बना रहा हूँ जाने का बाहर, तो देखते हैं अगर एग्जीक्यूट होता है, अगर कुछ बनता है तो मैं ज़रूर इसका मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में, कि प्लान थोड़ा सा खास है, बहुत दिनों से चल रहा है, एक दो बार पोस्टपोन भी हो चुका है, तो ट्राई करते कि इस बार बन ही जाए। और नेक्स्ट थिंग कि मैं इस सैटरडे को भीमाशंकर जाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो भीमाशंकर का प्लान है, देखते हैं अभी उसको भी, मतलब जस्ट प्लान ही बना है। अब ये इस माइक पे डिपेंड करता है कि साउंड कैसे दे रहा है, क्योंकि भाई 2 घंटे का रास्ता है, फिर मैं 2 घंटे ट्रैवल करूँगा जाने में और आने का 2 घंटा, तो मतलब कितना किलोमीटर है, 120 शायद, हाँ 120 किलोमीटर है यहाँ से मेरी लोकेशन से, तो इतना ट्रैवल करूँगा और फिर उसके बाद वीडियो एडिट भी करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर करना पड़ेगा, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, इतना एडिटिंग के लिए इतना समय नहीं दे पाता, और सबसे मेन चीज़ तो एडिटिंग ही है भाई व्लॉग में, तो इसलिए मेरे वीडियो डिले हो रहे हैं या फिर मैं मतलब ज़्यादा पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बट देखता हूँ अगर ये कैमरा कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, अभी मैं जब से घर से निकला बस कंटिन्यू बोले ही जा रहा हूँ, तो बस भाई, और भूल गया था मैं इंडिकेटर देना बातों में। बाकी कुछ नहीं, बस सब ठीक है,
चल रहा है अपना ऑफिस काम, 11 बजे जाओ 12 बजे तक वापस आओ, वीडियो कुछ रिकॉर्ड हो नहीं रहे है। ट्राई करूँगा कि मैं अभी अगर ये माइक अच्छा निकला तो मैं ट्राई करूँगा कि डेली नहीं बट वीक में एटलीस्ट 8 वीक में एटलीस्ट 2 वीडियोस तो ही पोस्ट करने का मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि इससे क्या होगा ना, मेरा इस माइक से क्या होगा, मैं अभी जो कर रहा हूँ अभी ये लाइव रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग, तो इससे ना मेरा वॉइस ओवर का टाइम बच जाता है, एडिटिंग में मुझे थोड़ा कम समय लगेगा, एडिटिंग में मुझे खाली बस कुछ चीज़ें कट करनी होगी, जैसे कि मतलब जो जो रखना है वो रखूँगा, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह। सबसे ज़्यादा समय जो लेता है मेरा एडिटिंग में वो है वॉइस ओवर, क्योंकि मैं सिर्फ कैप्चर करता हूँ, वीडियोस कैप्चर करता हूँ और उसके बाद मैं अब तक जितने भी वीडियोस मैंने पोस्ट किए उस पर मैंने सब पे वॉइस ओवर ही किया है, तो इसकी वजह से ना मुझे भाई थोड़ा मतलब टाइम लगता था, दिक्कत होती थी वीडियोस बनाने में, पोस्ट करने में एक वीडियो में, फिर ऐसा होता था कि वॉइस ओवर कर रहा हूँ फिर मुझे पसंद नहीं आया वो चीज़ तो फिर उसको डिलीट करा, फिर उसके ऊपर एरो को एक और वॉइस ओवर करा, तो इसकी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। अभी देखते यार, ये भगवान करे ये अच्छा निकले तो मेरा उतना टाइम बच जाएगा, मैं लाइव रिकॉर्डिंग कर पाऊँगा जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। और दूसरी बात भाई, कैमरा का एंगल भी थोड़ा इशू हो रहा है कई सारे वीडियोस में, मुझे ये जो एंगल है ये नहीं दिख रहा है वीडियो में कहीं पे भी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा नीचे करता हूँ कैमरा तो फिर वो ऊपर का नहीं दिखता है, या फिर ज़्यादा ऊपर करता हूँ तो ये नीचे का नहीं दिखता है, तो कुछ सजेशन हो गाइज आपके पास तो प्लीज़ मुझे बताना। देन बस बात बस इतना ही अभी इस वीडियो में, अभी मैं पहुंच चुका हूँ लगभग, मैं ऑफिस में अभी पहुंच ही गया हूँ, तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगर आई होप नेक्स्ट व्लॉग अपना भीमा शंकर का ही रहेगा, तो सैटरडे का प्लान है तो देखते ही सुबह निकलेंगे, और सैटरडे को व्लॉग करूँगा तो मतलब सैटरडे को शूटिंग करूँगा तो संडे शाम तक मैं उसको उस वीडियो को पोस्ट कर ही दूंगा। अभी इस वीडियो को मैं ट्राई करूँगा कि शाम तक या फिर कल सुबह तक पोस्ट करूँ, देखता हूँ अगर अच्छा है रिकॉर्डिंग, अच्छा है साउंड कैप्चरिंग, अच्छी है इसकी क्वालिटी तो ही मैं पोस्ट करूँगा। अरे भाई आराम से। भाई ट्रैफिक है एक नंबर, हिंजौड़ी का ट्रैफिक दुनिया में एक नंबर। चलो टूटी सपनी।